कानपुर में होने वाले मैच को लेकर, टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। टिकटों की भी बिक्री शुरू हो गई है, जिसको खरीदने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहीं ग्रीन पार्क के बाहर टी शर्ट और कैप बेचने वालों की दुकानें भी सज गई। हालांकि क्रिकेट को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर को टेस्ट मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। दर्शकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, उससे पहले तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम लोग ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं। वीडियो में निरुपिशा से कहेंगे दिखाएं किस तरीके से यहां पर ये जो कैप बेचने वाले हैं और जो तिरंगे की जो बैंड है वो बेचने वाले, टी शर्ट है इंडियन टीम की और न्यूजीलैंड टीम की वो बेचने वाले लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं। टिकटें बिक रही हैं, टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है, लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, टिकटें खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ खेल प्रेमी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अमर मणि त्रिपाठी है। अमर, ये बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, आप टिकट खरीदने के लिए आए थे, क्या समस्या आपकी? जैसे कि हमने अपनी टिकट बुक माई शो से 19 तारीख को ही बुक कर ली थी, इन्होंने बताया था कि 21 को यहाँ पे मिलेगी और आज 23 को बुलाया, अब आज कह रहे हैं कि कल मिलेगी। अब ये देखिए कब देते हैं टिकट, हमको लग रहा मैच वाले दिन ही देंगे। लगभग 5 साल बाद कानपुर में मैच पड़ने जा रहा है, कितना उत्साह है आप? तो हम लोग उत्साह तो देखिए, सब ये भैया खड़े हैं, इनकी टिकट 4 दिन से बुक हो रही है, बुक है, लेकिन इन लोग टिकट दे नहीं रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? जी मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील, ये बताइए कि कितना उत्साह आप लोग के अंदर है, क्योंकि 5 साल बाद। आप बात मत करिए क्योंकि हम सुबह 6 बजे से, आप जान सकते हो जो इंसान सुबह 6 बजे से, तो कितना उत्साह होगा। घर में जाते हैं, आप सुबह कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं टिकट लेने। टिकट लेने के बाद मेरे बच्चे इतने खुश हैं कि रात भर सोते नहीं, पापा मैं टिकट मैच देखूंगा। आज मैं टिकट लेने यहाँ आया तो बोल रहे हैं कि अभी बुकिंग शॉर्ट हो गई, अभी टिकट आपको मिलेगी नहीं, कल मिलेगी टिकट। तो हमने चलिए ठीक है कल कर लीजिए। मैं डेली घर में जाता हूँ तो मेरे घर वाले कहते टिकट मिली नहीं मिली, तो कहते आप वहाँ क्यों करने जा रहे थे। मैं उत्साह आए खुशी, 800 रुपये में, 800 रुपये में। कितने दिन के थे ये? 5 सीजन 5 दिन के सीजन पास था जी। तो अब आप लोग से क्या बोल रहे हैं? अब आपसे बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर वो साइट खुली नहीं है, ऐसा करिए आप बुक कर लीजिए, कल मैं टिकट आपको दूंगा। तो इससे पहले भी मुझे 800 वाली बुक करना था तो बोले कल आके ले लेना, तो वो भी नहीं दिया। आज मैंने फिर 3 टिकट बुक की है अपने बच्चों के लिए कि मेरे पापा मैं भी देखने जाऊँगा, तो बोले कल आइए मैं कल आपको टिकट देता हूँ। तो ये कुछ खेल प्रेमी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके की टिकट खरीद में यहाँ पर इन लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाकी दर्शकों के अंदर और जो खेल प्रेमी हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश देखा जा रहा है, क्योंकि 5 साल बाद, लंबे समय बाद ये मैच पड़ा है कानपुर में, और जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है। विद्यालित निर्मिशा के साथ अपना शुक्ला जेमडे न्यूज़ कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।